वॉइस ऑफ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सभी देखने वाले एवं सुनने वाले श्रोताओं को मैं रितु बुंदेले नमस्कार करती हूँ सर। और आज के हमारे मेहमान है वॉइस ऑफ न्यूज चैनल पर हम गरीबों और मजलूमों के बारे में बातें करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का उद्देश्य यही है कि एक मतलब सबके बीच में एक मानवतावादी या फिर सच्चाई लाना है और एक विश्व की आवाज है वॉइस ऑफ मानवता चैनल। तो सर इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ धनेश्वर सर जी का। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार, जी थैंक सर। यू। जी सर। सर मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत देखा है और मुझे भी लगता है कि आप जैसे लोग हम जैसे न्यूज ऑफ वॉइस ऑफ न्यूज चैनल से आप जुड़ना चाहिए। और हमारे जो इस कार्यक्रम के जो ऑनर है जिसने इस कार्यक्रम को अरेंज किया है मेघराज जी सर, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उनका परिचय आप खुद दे। सर जी आप बोलिए, आपका परिचय दीजिए। धनराज जी सर। सर आपका परिचय दीजिए। मेघराज सर ना, अच्छा नहीं सर जी मैं आपसे बोल रही हूँ, सर जी तो है ऑनर। चलिए, जी मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे यवतमाल जी महाराष्ट्र में रहता हूँ और महात्मा ज्योतिराव फुले जी का महात्मा फुले सत्यशोधक विद्यापीठ यवतमाल में चलाता हूँ, उसका मैं चेयरमैन हूँ। साथ ही साथ भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का मैं राज्याध्यक्ष हूँ। यह संगठन ओबीसी के लिए काम करता है एवं जी ओबीसी जन मोर्चा है जिसका जिनके अध्यक्ष है सम्माननीय प्रकाश अन्ना शिंदे। उनके नेतृत्व में एक हमारा ओबीसी विभिन्न जनसमुदाय का एक संगठन बना हुआ है, एक फेडरेशन बना है, उसमें मैं महाराष्ट्र राज्य का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हाल फिलहाल में हमने एक ओबीसी बहुजन आघाड़ी करके एक पॉलिटिकल फ्रंट निकाला है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छा। और आपने जो टाइम दिया सर हमारे न्यूज चैनल पे आने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जी सर आप मतलब जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। और हम जो हमारे सर जी है मेघराज जी सर, उनका भी उद्देश्य यही है कि हमारे ओबीसी जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े और वो आगे बढ़े, और ताकि उनको भी मतलब समझ में आए कि हम मतलब न्यूज या जो न्यूज चैनल है हमारा वॉइस ऑफ न्यूज चैनल, तो ये उसी के लिए है कि हमारे ओबीसी लोग भी आगे आए आगे बढ़े और उनका भी एक पद हो सांसद में। और सर आप क्या चाहते हैं इसके ऊपर? क्योंकि काफी लोग पीछे हैं अभी ओबीसी के और हम लोग उसी का काम कर रहे हैं उनको जागरूक करने का, और एक इंसानियत के नाम पे एक सच्चाई के राह पे सब लोग चलो। और जो मतलब हमारे जो महापुरुषों ने बोला है जैसे हमारे ज्योतिबा फुले, उनका भी एक उद्देश्य था कि उन्होंने को हाँ मैम, तो ओबीसी की तादाद सन 1931 से अभी तक उसकी गिनती ही नहीं हुई है, लेकिन 1931 के हिसाब से जब अंग्रेजों ने इनका कास्ट सेंसस किया था तो उस समय ये जी लगभग 52% कहा जाता है। आज ये करीब 55 से 60% के लगभग हो सकता है, माने इस देश के लगभग आधे से अधिक आबादी ओबीसी की है। बावजूद इसके इसकी जातिगत जनगणना तक नहीं होती है, इसलिए ओबीसी का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, शैक्षिक स्तर कैसा है, इसके बारे में कहीं किसी रिकॉर्ड पे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जी सर इसका तादाद मालूम नहीं पड़ता है, इसकी वजह से इसका बजटरी प्रयोजन भी नहीं किया जाता है और ये मराठी में हम कहते हैं खिस गिनती में चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं। बावजूद इसके जी इनका एग्जिस्टेंस और इनका इनका अस्मिता और अस्तित्व भी इसकी वजह से नहीं
राजकीय पटल पे नहीं आ रहा है, इसलिए बड़ी मुश्किल में ये आधी अधिक तादादी देश की फंसी हुई है। इसलिए जी इसको रिसोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो रिसोर्सेस भी इनके पास कम है, और रिसोर्सेस कम होने के बावजूद इनकी शैक्षिक अवस्था भी खराब है, आर्थिक अवस्था भी खराब है, और जी पॉलिटिकल फ्रंट पे भी ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हम जी चाहते जी हैं कि इन लोगों को इनको अपना एग्जिस्टेंस समझ में आ जावे, और जी इनकी अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो इनकी अपनी ऑथेंटिक फिगर सामने आ जाती है, जिससे इनको अपनी अस्मिता और अस्तित्व का ध्यान आ जाएगा। जी सर, तो यही हम लोग चाहते हैं सर कि बस ये हमारे ओबीसी है तो मतलब उन्होंने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और एक मतलब उन्होंने अपनी क्वालिटी पहचान के मतलब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर जी, जो हम लोग अच्छे उद्देश्य के साथ में जब एक बात करने निकलते हैं अच्छी बात, तो लोग कम जुड़ते हैं। अगर वही चीज अगर हम लोग कुछ चंद पैसों के लिए लोग पार्टियां चेंज कर देते, लेकिन हमारा ओबीसी ओबीसी का साथ नहीं देता है सर जी, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं हाँ, उसका मेन सर कारण इस। ये है कि किसी का अभी फिगर सामने ना आने की वजह से सब लोग ऐसे हाँ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और जी इस जी देश की जो समरसतावादी जो मूल्य है वह जब तक समतावादी मूल्य में नहीं आते हैं और फूले अंबेडकर का सपना तब तक साकार नहीं होता है, इसलिए जी ओबीसी जो है वो सुस्त पड़ा हुआ है। और वो डॉक्टर जी अम्बेडकर कहते हैं कि वो सोया हुआ है, और लेकिन इसने अगर करवट भी बदल दिया तो इस देश जी में जिसको कहेंगे हम कि मूल धारा में यह पहुंच जाएगा। जब मूल धारा में पहुंचेगा तो जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, आधे से अधिक लोग जिसके पास है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस हिसाब से देखा जाए तो इस देश का कमांडर ओबीसी हो सकता है। ये बात उसके समझ में लाने का और उसके उसमें यह अंडरस्टैंडिंग पहुंचाने का एक पुरजोर तरीके से हम लोग प्रचार और प्रसार इसका किए जा रहे हैं लगातार। जी, वो तो देखा है सर जी, और आपने सही बोला है कि इसमें ये अभी ओबीसी समाज सोया हुआ है, अगर एक करवट भी ले ले तो बहुत बड़ी बात है सर जी। तो इसका मतलब इन लोगों को जगाने का हम लोगों का काम है, और वो हम लोग तो लगे हुए हैं उसमें, और मेघराज सर जी का भी यही उद्देश्य है कि हमारे ओबीसी के लोग आगे आए, आगे बढ़े। लेकिन ये लोग सर क्या होता है कि मतलब एकजुट नहीं हो पाते सर, ये हाँ, जल्दी समझ। एकजुट जी इसीलिए नहीं सर, हो पा रहे हैं कि इनका ऑथेंटिक फिगर किसी के साथ पास नहीं है, और जो प्रस्थापित लोग जी हैं वह प्रस्थापित लोगों जी ने इनके ऊपर काबू पा रखा है, सो दे आर अंडर देयर कंट्रोल। और ये कंट्रोल में जी होने की वजह से क्या हो रहा है, जाति जातियों में बटा हुआ एक लंबा बड़ा समूह है, ये 3,743 जी जातों जाति में देश में बटा हुआ है। जहाँ तक महाराष्ट्र का जी सवाल है, 350 से अधिक जाति में महाराष्ट्र में बटा हुआ है, और जाति जाति में जी समूह बटने की वजह से यह एक आर्टिकल 340 के अंतर्गत यह एक क्लास बन चुका है, और ये क्लास बनने के बाद में उसका गिनती नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो क्लास वो ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, इस देश की जो प्रचलित प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था है वह इनको इकट्ठे आने नहीं देता है, वो उनको कंपार्टमेंट वाइज बंद कर देता है। जैसे रेल में होता है कि AC1, A1, B1, उसके बाद में अपना SL1, SL2, SL2, वो जो डिब्बे जैसे होते हैं वैसे इनको डिब्बों में कंपार्टमेंट में बंद कर रखा है, इसलिए ये आपस सर में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए संगठन नहीं बन पा रहा है। संगठन बनाने के लिए इनकी जातिगत जनगणना हो, इनकी अपनी अवस्था मालूम पड़े, और इनका वो ऑथेंटिक फिगर अगर आगे आ जावे तो नेचुरली ये सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और ये बड़ा समूह जब जुड़ जाएगा तो इस देश का कमांडर यही बनेगा, और फिर प्रस्थापित लोगों को धराशायी होना पड़ेगा, इसलिए वो जातिगत जनगणना नहीं करते हैं। नहीं करते, पर ये सिस्टम में तो मतलब सर जी ये ठीक नहीं है कि भाई जनगणना नहीं हो रही और इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे जा रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर जी? हाँ, इसके लिए हमको अभी ये करना है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने उसके उनके स्टेट के लेवल पे जातिगत जनगणना कर दी है,
अपने यहाँ पे जो आरएसएस का संगठन है, मोदी जी साहब जो उनके अंडर में काम करते हैं, और वो चाहते जी नहीं है कि हम लोगों की जातिगत जनगणना हो। ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, इसलिए यहाँ की सरकार, हमें दिल्ली वाली सरकार हटानी पड़ेगी, उसमें कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर किए हैं। वे कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूँ। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की एज ए ओबीसी, उनकी भी सेंसस नहीं हो रही है और हमारी भी सेंसस नहीं हो रही है। तो ये कितनी बड़ी परेशानी है और जी कितनी बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत क्यों है कि उनके जो गॉडफादर है वो ये करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें इस सरकार को किसी हालत में हटाना होगा और दूसरी सरकार को लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले 2031 में जातिगत जनगणना हो सकेगी। जी जी बिल्कुल सर जी, आप सही बोल रहे हो। थोड़ा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, हमारी विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी, और जितने भी ओबीसी है सबको एकजुट होकर, मतलब एक बातें समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा कि सिस्टम कितना सही है, कितना इसमें ये है, तो बदलना बहुत जरूरी है सर जी। हाँ, तो ताना बाना तो तभी बदलेगा मैम जब तक आप खुद को नहीं बदल सकते। तो खुद को तो बदलना है, जी और जी सिस्टम में हमें हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी लेना है, जो इक्वेलिटी की बात करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इक्वेलिटी। इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, ही सेज डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इक्वेलिटी, बट हियर देर इज इनइक्वेलिटी। और इनइक्वेलिटी होने की वजह से व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, और इसलिए इस देश में ऐसे लुभावने, जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, एमपी में चल रहा था लाडली बहना, महाराष्ट्र में अभी लड़की बहन, जी आपको मालूम, ये सब चीजें जो है जी जी लुभावने वाली चीजें होने की वजह से, और यहाँ पे 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने फ्री दे रहे हैं। इससे क्या हो गया है कि जी लोग निकम्मे हो चुके हैं, लोग काम नहीं हाँ करना चाहते हैं, और लोग सरकार जी के भरोसे पे रहते हैं। तो सरकार लोगों जी को एक किस्म से दिव्यांग बना रहा है, हैंडीकैप बना रहा है। तो सिस्टम पूरी इंडिका की पूरी जो है वो एक किस्म से अंदर से उसको वो हॉलो हो गई है। इस सिस्टम को बदलना है तो इस सरकार को बदलना होगा, जो इसके लिए खास तौर पे जिम्मेदार है। यही यही जो चीज है सर जी, तो यही आम आदमी समझ नहीं पा रहा है, जो सरकार हाँ हमारे साथ तो इस आम आदमी को जगाना बहुत जरूरी है सर जी। वो हमारे मतलब जैसे हम लोग उनको बोलेंगे कि भाई आप सच में सोचो कि भाई सरकार क्या कर रही है, आपको तो सामने दिख रहा है कि हमको फ्री में दे रही है, ये आपने सही बोला है सर जी कि हैंडीकैप बना रहे हैं, और वो आपको मतलब इसीलिए तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ओबीसी के लोगों को, कि भाई वो मतलब आयता से आयता आपको मतलब आई भी थाली मतलब सजा के दे रहे हैं, आप खा लो और बस पीछे मत देखो क्या है, क्या आम खाओ गुड़िया को क्यों गिन रहे हो, ऐसी बात हो गई सर जी। पर बराबर है, जी क्योंकि सर सिस्टम जी ये नहीं चाहती है कि आप सर उठा के जियो, सिस्टम जी चाहती है जी कि आप सर झुका के चलो। तो इसलिए जी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमने यवतमाल में, महाराष्ट्र में, एक महात्मा फुले सत्यशोधक विद्यापीठ की नींव रखी है मैम। इसमें हम 18 से लेकर 30 तक के बच्चों को ही हम पढ़ाते हैं। आई एम वर्किंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्यों, मुझे पता चला है कि ये जो जनरेशन है जो निकम्मी हो चुकी है, उनको जगाना जरा कठिन सा लगता है। हम प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये बातें समझ में उनके भी लावे, और उनको भी इस जागरण उनका करे, लेकिन उनसे भी अधिक थोड़ा समय हमें लगेगा। लेकिन हम 18 से 30 के बच्चों के लिए एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक क्रैश कोर्स बनाए हैं, और महात्मा फुले सत्यशोधक विद्यापीठ यवतमाल महाराष्ट्र में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इसमें 30 जेंट्स और 30 लेडीज हर माह 18 से 30 के बीच के कम से कम 12वीं पढ़े हुए हो, उनको हम जी जी इस प्रकार से समतावादी मूल्य कैसे स्वीकारना है, उसकी आवश्यकता क्या है। सत्यशोधक समाज फुले जी ने जो 24 सितंबर 1873 को निकाला था, उसकी उन्होंने नींव रखी थी, वह समाज क्या है, वो क्या बताता है, और उसके जरिए हम लोग इक्वेलिटी पे कैसे आ सकते हैं, स्त्री पुरुष समता पे कैसे आ सकते हैं, और उसके जी बावजूद
हम शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या सच है और क्या झूठ है, ये समझने के बाद में हमें झूठ फेंकने की हमें हमें औकात नहीं आती है, हमको डेयरिंग नहीं होता है। जैसे अभी जी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में वो दुर्गा देवी का उत्सव चल रहा है, दुर्गा को जी जी 8 हाथ होते हैं, अष्टभुजा। क्या 8 हाथ जी का कोई मर्द या कोई हमारी बहना जिंदी रह सकती है? नहीं रख सकती, रह सकती है। लेकिन इस देश में क्या हो गया है, हमारा आपने बताया सबका जो बुनियादी जरूरत है जिसको लॉजिक कहते हैं, वो जी लॉजिक जी हमारा खत्म होने की वजह से हम इसके बारे में सोचते नहीं है। को भगवान के नाम पे डाल देते हैं और दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, इस प्रकार से सिस्टम हमने बरकरार रखी है, क्योंकि जी हम तर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको तर्क करने ही नहीं देती, और जो तर्क नहीं कर सकता वह अज्ञानी के बराबर है। जो तर्क करना ही नहीं चाहता वह कट्टरपंथी है, जिसे हम सनातनी भी कह सकते हैं। जो जी तर्क जी कर सकते हैं वह शिक्षित है, जो तर्क करते हैं वह स्वतंत्र है, वह आजाद है। जो तर्क पर चलते हैं उसे ही ज्ञानी कहना चाहिए, और जो तर्क करना दूसरों को सिखाते हैं वह महात्मा फुले जी के सत्य शोधक संस्कृति का पहरेदार कहलाता है, जो काम हम कर रहे हैं। जी 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 सर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको देखकर ऐसा लगता है अगर आपके जैसे लोग इस मतलब ओबीसी में आ गए तो ओबीसी तो पीछे नहीं रह सकते सर जी, मतलब आपके उम्मीद जैसे तो कर काफी रहे लोग। हैं, दुनिया जी, और आप बहुत अच्छा काम कर। उम्मीद से जीती जी सर, हाँ, तो है, आप बहुत अच्छा दुनिया काम कर उम्मीद रहे हो। से ही चलती है। जी वी जी आर जी ऑप्टिमिस्टिक पीपल। ओके सर जी, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मुझे भी मतलब जैसे हमारे जो सर जी है मेघराज जी सर, तो वो भी बहुत अच्छे लेखक है, उनकी भी बहुत ऐसे किताबें लॉन्च हुई है, और मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें। वैसे तो वो रहते ही है सर जी, ये ऑर्गेनाइजर वही है सर जी, ये अमेरिका में है अभी, पर ये वहां से लाइव टेलीकास्ट करते हैं कार्यक्रम। इनका भी उद्देश्य वही है कि लोग जो ओबीसी के जो लोग हैं वो सच्चाई को जाने, वो सिस्टम को पहचाने कि कैसे इन लोगों ने हम लोगों को अपाहिज करके रखा है, हम लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे, ना जेंट्स को ना महिलाओं को, सिर्फ उनको कैसे मतलब सामने बता करके भाई हम बस इजीली आपको ये सब चीजें दे दे रहे हैं, पीछे का आप देखो मत। तो ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं बहुत खराब हो रही चीजें, इसलिए हमारे जो फ्यूचर है, आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाली जो नई पीढ़ी है, तो उनके लिए भी बहुत काफी नुकसानदायक चीजें होती है सर जी, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, एकजुट नहीं हो पाए तो, ओबीसी के लोग खासकर। एकदम सही फरमा रही है आप। लेकिन जी, हमारी ये जो मूवमेंट चल रही है उसका नतीजा है इस देश में, वो है अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस के जो नेता है, प्रमुख नेता जिन्हें हम राहुल गांधी जी, उन्होंने यह बातें महात्मा फुले जी की जो सत्यशोधक मूवमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने जो उनका एक एक एजेंडा है, उनका न्याय का एजेंडा, और न्याय के एजेंडे में उन्होंने ये सारी बातें समाविष्ट कर रखी है। क्योंकि हम तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, हम बातें कर रहे हैं तो हमारी बातें चंद एक लोग सुन रहे हैं, लेकिन राहुल जी जब कहते हैं तो सारा भारत वो बात सुनता है। और उन्होंने महात्मा फुले जी का, डॉक्टर आम्बेडकर जी का, उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध का स्टडी कर रखा है उस, और उनको ये पता चल गया है कि इस देश के जो 85% लोग हैं, जो लोग इस देश के मुख्य प्रवाह में नहीं है, और वे लोग जो है वो मुख्य प्रवाह से काफी दूर चल रहे हैं, इसलिए उनका सरकारों में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वह एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस होने के लिए, एवं जी इस देश के रिजर्वेशन की सिस्टम बदलने के लिए आगे आना जरूरी है, और वह बात लेके राहुल जी चल रहे हैं। हालांकि राहुल, मैं कोई कांग्रेस का या भाजपा का बंदा नहीं हूं, बावजूद इसके जी जो बात अगर हमारे हिसाब से करता हो, जो जी जी बात सही हो, वो बात हमने जरूर माननी चाहिए। जैसे जातिगत जनगणना सम्माननीय मोदी जी नहीं करते हैं, तो ओबीसी होने के बावजूद भी हमें उनका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जी मोदी जी जी तो इज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ नागपुर वाला, तो जितनी जी चाबी घुमाई हमने उतना चले खिलौना, ऐसा उनका तौर तरीका है।
इसलिए वो खुद नहीं कर पाते स्वयं ओबीसी होने के बावजूद। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई है, भला हो सकता है कि उनको आने वाले दिनों में उनको चुनाव चुनाव में भी जीत चाहिए, उनका वो भी अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन वो हमारा एजेंडा लेके चल रहे हैं, हमारे लिए खास बात है। और ये खास बात जो है, अभी आप जो कह रही थी ये हो नहीं रहा हो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मुझे लगता है 2029 के लड़ाई में ये बिल्कुल होने वाला है, हो जाएगा। और इस देश की आधे से अधिक जनता जो है अब वो इससे परे नहीं रह सकती, और सिवाय इनके इस देश की सरकारें भी नहीं आ सकती, यहाँ तक के अभी पॉलिटिकल फ्रंट्स को ये चीजें जान पड़ी है, और ये हमारे लिए शुभ संकेत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तो जी सर जी आप सही बोल रहे हो। तो इसके लिए हम लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो आप काम कार्य कर रहे हो सर जी वो तो कंटिन्यू चल। जी, हम सबको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मुझे भी, और सही बोल रहे हैं आप, आने वाले पीढ़ी को तबाही से बचाने के लिए अब बिल्कुल हमें ही बिल्कुल कुछ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब अब हम हमें काम मकतूल करेंगे हर हाल में गुजरना होगा, बच बिल्कुल गए हम तो किसी बिल्कुल और को मरना होगा, तो आने वाले सही पीढ़ी को तबाही से बचाने के लिए अब हमें ही कुछ जी करना होगा। और युवा और युवतियों में यह जागृति लाना जरूरी होगा, क्योंकि वो जरूरी है काफी सर लंबे अरसे तक चलते हैं, और युवा और युवती जी, आजकल के पहले जैसे अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जिस प्रकार से आप उनको जैसे ढालोगे वैसे वो बनेंगे, इसलिए आपको लिटरेचर जी भी हमको जरूरत है, लिटरेचर भी हमें उन तक पहुंचाना है। मेरे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी जो सत्यशोधक विद्यापीठ के द्वारा मैं चलाता हूँ, उस प्रकार से जी एक्टिविटी भी जिले जिले पे अगर चले होवे तो वहां पे अपना एक कैडेट बन सकता है, जिसको बोलते हैं अपन कैडर बेस्ड प्रोग्राम बना के हम अपने कैडेट बना सकते हैं, और जब कैडेट बनते हैं तो फिर वो पक्के होते हैं, फिर वो विचारों से पक्के जी होते हैं, और वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, फिर उनके समझ में आता है सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, एंड व्हाट माय रोल शुड बी देयर टू अचीव द गोल इन दिस कंट्री। ये वाली बातें ओबीसी के जब समझ में आ जाएंगी तो ओबीसी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। जी 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 सर जी, बहुत बहुत अच्छा सर जी, और हम सब चाहेंगे कि आपने जो बोला वो सही हो, और हम तो सब लगे ही अपने इसमें के ओबीसी जाके, और ये मेहनत हमको कंटिन्यू करनी है। तो सर जी 20 तो हमको ही बोना पड़ेगा, बाकी तो मतलब फल आएगा, पेड़ बढ़ेगा जब बढ़ेगा, लेकिन 20 तो हमको ही जी अच्छा हाँ बोना जी, पड़ेगा। आई एम जी जी वर्किंग एज ए मिशनरी बिकॉज आई ओके एम विजनरी, आई हैव ए विजन, तो जी विजन जी जब मुझे सर है तो मैं मिशनरी के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। और हम जी हमारे जैसे अगर 100 लोग इस भारतवर्ष में मिले, जैसे अभी आप मेघराज जी की बात कर रहे हैं, उनके जैसे जी मेरे जी जैसे 100 लोग अगर मिल जाते हैं तो एक मिशन बिल्कुल तैयार हो जाता है, और जब मिशन तैयार बिल्कुल हो जाता है और विजन के साथ में अगर हम मिशन चलाते हैं तो नेचुरली क्या हो जी जाता है कि जरूरी नहीं कि आप कितना अंतर चले, लेकिन यह जरूरी है कि आप योग्य दिशा में चले या नहीं चले, इसलिए प्रॉपर राइट डायरेक्शन एंड प्रॉपर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो वो अगर आपको जी पता चलता है तो डायरेक्शन इनटू फोर्स इज इक्वल टू चेंज, ऑटोमेटिकली सोशल चेंज उसमें आ जाता है, और वो जी आना बहुत अनिवार्य है। और आने वाले दिनों में मैं आपको दावे से कहता हूं कि दिस चेंज विल बी इन नियर फ्यूचर, दैट इज इन 2029। यस 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 सर जी, यस सर जी, आप एकदम राइट बोल रहे हो सर जी, आने वाला फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट हो गया अगर हम कंटिन्यू इसी इसी तरह चलते रहे, जैसे मेघराज जी सर जी और आप है ऐसे, और मतलब जुड़ते रहे मेघराज जी सर से, आप उनको मतलब और ये करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे मिलकर, और हमारे न्यूज़ चैनल को भी बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिली आपसे, और बहुत अच्छा वो भी मतलब आपकी बातें सुनकर वो भी जागरूक होंगे, और मुझे लगता है ये मिशन कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, और आगे भी काफी लोग जुड़ेंगे इससे। और मैं चाहूंगी सर जी, अभी थोड़ा वक्त को देखते हुए और हम लोग 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, तो
तो सर जी, और आपका बताइए, और क्या क्या कार्य शुरू है? हाँ, महाराष्ट्र में जो अभी दुर्दशाएं चल रही है वो है, जी आपको ज्ञात होगा, ये मनोज जरांगे पाटिल, जी ये जो जी कहानी है यह ओबीसी का आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। ये प्रस्तापित लोग हैं, महाराष्ट्र के सीएम जो है वो भी उनके साथ में है, और महाराष्ट्र के जो जानता राजा जिसको कहते हैं शरद पवार जी, वो भी उनके साथ है। यह अंदरूनी मिलीभगत है, इसलिए इस बंदे को उन्होंने खड़ा कर रखा है। और ये 35 किलो वेट का बंदा सारे महाराष्ट्र को अभी दौड़ा रहा है, घुमा रहा है, और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को वो एक किस्म से हिला रहा है। उसका रीजन ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी उसके साथ है, और जो जनता राजा है वो भी उसके साथ में है। आपके समझ में आया होगा। तो ये होने की वजह से जी ओबीसी का आरक्षण का संरक्षण करना अभी हाल फिलहाल में हमारे लिए महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। हम उसके ऊपर अभी काम कर जी रहे हैं, और वे लोग जी चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली भी आगे दौड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसको गिराऊंगा, मैं उसको गिराऊंगा, माने वो क्या कर रहे हैं, किस्म से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हम उसके ऊपर भी यहाँ पे लड़े जा रहे हैं। ओबीसी के एसएस से सम्माननीय प्रकाश अन्ना शेंडगे, इनके नेतृत्व में हमने ओबीसी बहुजन आघाड़ी, यह पॉलिटिकल फ्रंट हमने निकाला है। इसका रजिस्ट्रेशन आने वाले 4-5 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये अप्रूव हो चुका है, और इसका वो जो चिन्ह है वो भी हमें अगले 8-10 दिन में मिल जाएगा। तो हम पूरे महाराष्ट्र में हम चाहते हैं कि ये जो ओबीसी बहुजन आघाड़ी है, इसकी तरफ से एक पॉलिटिकल फ्रंट के हैसियत से मैक्सिमम जगह हम असेंबली के लिए उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं, और हम भी प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं कि अगर वो मराठा मराठा को ही चुन के लाता है तो हम ओबीसी ओबीसी को चुन कर लाने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला भी एक सिस्टम हम चला रहे हैं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल की द मास्टर की, बाबा साहब कहते हैं कि प्रस्तापित लोग जो है उनको अगर आपको हिलाना है तो आपको पॉलिटिकल फ्रंट से काम करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल फ्रंट भी हमने अभी निकाला है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और ओबीसी बहुजन आघाड़ी इस राज्य में अपने उम्मीदवार खड़े करके इस जगह पे एक किंग मेकर की भूमिका में आगे निकल आएंगे, जिससे ओबीसी का अपना वर्चस्व इस महाराष्ट्र राज्य में साबित होगा। जी 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 सर जी, हाँ बहुत मैम, आप बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट हूँ, जी जी आपको जी सुनने में आया था? हाँ, नहीं आया था मुझे सुनने में, महाराष्ट्र अच्छा। में ये निर्माण कर रहे हो तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था सर जी, बाकी आया मुझे अच्छा। समझ में आपने बोला। और सर जी, सर जी, एक महाराष्ट्र में हमारा ओबीसी का ये आप जिसके तैयारी में लगे हो, हाँ आप रिपीट कर सकते हो सर जी। हाँ, ओबीसी बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में हमने अभी यह एक जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए रजिस्टर कर चुका हूँ। मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और सम्माननीय प्रकाश अन्ना शिंदे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ओबीसी बहुजन आघाड़ी द्वारा हम महाराष्ट्र में 288 सीटों पे प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी और एससी एसटी के जो रिजर्व सीट्स है वहाँ पे एससी और एसटी, 29 एससी के और एसटी के 25, और 234 लगभग अन्य सीट्स। तो इस पे हम प्रयास कर रहे हैं, कई जगह हम कोलिशन भी करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर हम चाहते हैं कि यह जो ओबीसी बहुजन आघाड़ी है यह किंग मेकर के भूमिका में आगे आ जावे, और हमारे सिवा इस राज्य की सरकार नहीं बन पाएगी जो आने वाले दिनों में इस राज्य में हंग असेंबली आने जा रही है, माने किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला। हम तो ये चाहेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली में, ये पूरे भारत देश में एक इसका वर्चस्व हो ओबीसी का। पर जी हाँ, आपने भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन द्वारा मैम हम पूरे जी भारत में भी जुड़ चुके हैं, करीब 22 राज्यों में भी हम संगठन चला रहे हैं महाराष्ट्र के। वो वाह भी एक एक्टिविटी जी हमारी चल रही है। नांदेड़ के जी हमारे जी माचनवार साहब है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी उनके जी द्वारा हम पूरे भारत में भी ये प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में भी हमारा संगठन है, जबलपुर में हमारा संगठन है, बक्सर जी बिहार में हमारा संगठन है,
राजस्थान में संगठन है, धौलपुर में, और ऐसा कई जगह संगठन चल रहा है। और यह बातें ओबीसी को हम समझा रहे हैं कि ओबीसी पॉलिटिकल फ्रंट पे आगे आवे और ओबीसी में अपना कल्चरल मोमेंट भी चला जावे, जिससे कि ओबीसी जो रिलीजियसली जो सुन्नी में आ चुका है, जिसको बोलेंगे अंडर एनास्थीसिया, तो वो एनास्थीसिया से बाहर जी निकालना भी उससे ज़रूरत है। और वो जब जी ज़रूरत उसको एनास्थीसिया से बाहर निकालेंगे तो वो गुंगी से जब बाहर आएगा तो नेचुरली ओबीसी जो है फिर हिलने लगेगा, वो करवट नहीं बदलेगा, खड़ा हो जाएगा और दौड़ने लग जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनको जगाना जरूरी है, दौड़ाना जरूरी है सर जी। और ये मुहिम मैं आप भी दो तीन बातें ऐड करना चाहता हूँ उसमें। भाई साहब जो बोल रहे थे ओबीसी ने करवट लेनी जरूरी है, मतलब ऐसे में अगर कुछ इसमें हो, देखो मैं ओबीसी के बारे में, भाई मेरा मानना ऐसा है ओबीसी के जो लीडर हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और मैं जब तक आदमी कंफ्यूज होता है तब तक आदमी कामयाब नहीं हो पाता है। अपने लोग आप लोगों को मैं पूछूं कि आप लोग जो जगा रहे हैं, आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट है ऐसा, जो पेपर वर्क ऐसा किया है जिसकी वजह से आप लोगों को जो जगाते हैं, क्या आप लोगों के पास में ऐसा 20-50 साल, 100 साल, 1000 साल तक का राज करने का जज्बा पैदा हो चुका है? क्या आप लोगों के अंदर राज तक कैसे जाना है, दुश्मन को बिना गिराए बिना मतलब सबक सिखाए उसको गिराना कैसे है, तो ये सोचना जरूरी है। क्योंकि जो दुश्मन हमारे भारत में बैठे हैं बहुत बड़े चालाक हैं, वो एक मतलब हम क्या देखते हैं कि इंसान को सोचते भी ये आगे निकलने वाले हैं, वो एक पॉइंट आपके लिए गिराने के लिए नहीं तैयार करेंगे, वो 1000 पॉइंट तैयार करेंगे। 1000 मतलब एक को अगर आज चित करेंगे तो दूसरा ले आएंगे, दूसरे को चित करेंगे तीसरा ले आएंगे, मतलब उनके पीछे टीम वर्क करते हैं। वह कहीं कहीं 1000 साल तक सोच कर रखते हैं कि इनको आज चित का मतलब कैसे बेवकूफ बनाना और ये कैसे रंग पे राज छीनना है। तो मैं अभी मेरा सवाल आपसे भाई साहब कि आप लोगों के पास में ऐसा कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी वजह से आप 2 पॉइंट बताएं, मतलब कि कितने आप लोगों ने तैयार किए जिसकी वजह से आप ओबीसी को जगा सकते हैं? क्या ओबीसी का जो दिमाग है क्या सही दिशा में काम कर रहा है, और क्या जो लीडर आज की डेट में जो काम कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में काम कर रहे हैं? अगर कर रहे होते तो आज जो भारत में 70 साल के बाद भी ओबीसी आज सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या होने के बाद भी राजनीतिक में बहुत कम लोग हैं और अपने लोगों को सक्षम नहीं कर पाए, और आरक्षण इनका खा लिया है, अभी आरक्षण भी पूरा ले पाए आप लोग, तो फिर ये संगठन चला रहे हैं और इसका क्या मतलब है, और अपने लोगों को हमने जगा जगा कर कहाँ तक पहुंचाए हैं? क्योंकि हमने इसमें जो प्रोग्राम का नाम रखा है कि जागो ओबीसी अपनी पहचान करो, जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर राज का जज्बा नहीं है, हमारे अंदर अभी पिछली बार मैंने बात रखी थी आरक्षण की, इसपे बहुत सारे लोग कहते हैं वो हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, वो हमसे हम उससे लेना चाहते हैं आरक्षण। तो मैंने एक बात रखी थी, आप आरक्षण क्यों मांग रहे हो? आप तो देने वाले बनो, जिन लोगों आप मांगने वाले क्यों बन रहे हो? आप तो भारत के मालिक हो, वो मालिक मांगना कितना बुरा लगता है, अब भिखारी, और उन लोगों से मांग रहे हैं जो खुद भिखारी हैं, जो आपका लोग छीन रहे हैं, वो जो आप लोगों का छीन रहे हैं वो राजा कैसे हो सकते हैं? छीनने वाला कभी राजा नहीं होता है, भिखारी होता है। भिखारी से छीनोगे तो हम हमारी औकात क्या है? तो अभी मुझे देखिए, इसमें जब तक हमारे लोगों के अंदर देने की भावना पैदा नहीं होगी तो राज कैसे करेंगे? जब तक हम अपने आप को मालिक नहीं समझेंगे तो राज कैसे करेंगे? तो 2-3 पॉइंट है मेरे, ये आप बताएं कि आप लोगों के पास में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे वजह से ओबीसी को आप जगाने में कामयाब हो जाएंगे, और 1000 साल तक राज करने का प्लान आपके पास में क्या है, इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए आपसे, ताकि फिर मैं मेरे पास भी प्लान है एक, हम दुश्मन को बिना उंगली लगाए नीचे गिरा सकते हैं, हम अपने ओबीसी को राजगद्दी तक पहुंचा सकते हैं, हमारे पास प्लान है, हम बाद में बताएंगे आपको प्लान अपना, आप इसके प्लान के बारे में बताएंगे, आप 1000 साल तक राज कायम करने के लिए क्या कर रहे हैं बताएं जी भाई साहब। उनका कनेक्शन कट गया है, तो रितु जी मैंने ये बोली बातें ये कहां तक सही है, आपको क्या लगता है नहीं सही है सर जी कैसे? जी सर जी, हम लोगों को यहीं नहीं रुकना है, लॉन्ग टाइम तक चलना है। और वो बताना पड़ेगा ना कि हम लोग सच में कितना काम कर रहे हैं ओबीसी के लिए।
और कितने ईमानदार है, तो वो तो बताना पड़ेगा सर जी। तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मैं सिर्फ बकवास मारता हूँ बैठ करके यहाँ, मेरे पीछे जो सच्चाई कुछ और है और हम जो काम कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता आपको? सर जी, जब मैंने नहीं सर जी, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने आपका देखा है चैनल, काफी लोग फॉलो भी करते हैं, देखते भी है। जो सच्चे लोग हैं वो बरोबर आपसे जुड़ जाते हैं, वो बरोबर आपसे मतलब क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं, और मैंने देखा है कि लोग जो सच्चे हैं वो लोग जुड़ जाते हैं जी। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि कैसे इन लोगों को जागरूक करेंगे। देखो पहली बात तो है कि अगर कोई अंधा इंसान दूसरों को रास्ता दिखाने जाए तो कैसा लगेगा, कभी नहीं दिखा पाएगा। अगर कोई आदमी खुद अज्ञानी है तो ज्ञान सिखाने जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जो जागरूक लोग हैं, जो जो जागरूक करना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग का लेवल सही है कि गलत है, तो ये बातें जो है मैं इस करके बोल रहा हूँ कि ओबीसी हमने देखा है जितने जो लोग हैं, ये जो जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे और वक्त के कच्चे हैं, जो लोग ऐसे होते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, मैं गारंटी से कहता हूँ। इसमें जब आदमी के पास में ईमान का पक्कापन आ जाता है, इंसान के पास में जो है वक्त का पक्कापन आ जाता है और जो है सच्चापन आता है, तब इंसान आगे बढ़ता है, तब तो उसकी बातों का असर होता है लोगों पर। ऐसा नहीं है कि मतलब जीवन से बहुत फर्क पड़ता है इंसानों की जिंदगी में, जैसा इंसान का जीवन होता है उससे मतलब लोगों को देख कर प्रेरणा मिलती है। अब हमारे अंदर क्या है कि हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो ये जो चीजें हैं ये हमें बाहर निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से, तभी हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, संतोष, करुणा, मैत्री, इन चीजों को हमें जीवन में लागू करना पड़ेगा। और ये झूठ, फरेब, छल कपट, दुराचार, अत्याचार, दोगलापन, ये सब निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो फिर जैसे हजारों साल से जूती खा रहे हैं, मतलब हजारों सालों से जो गुलाम बन के जी रहे हैं, इसका कारण यही है कि इनमें कभी एकता नहीं हो पाई है। एकता का कारण जी क्या है? जी जहां पर छल कपट है, जहां पर हीन भावनाएं हैं, वहां एकता नहीं हो सकती। जहां पर झूठ फरेब है वहां एकता नहीं हो सकती। जिनके अंदर घमंड है उनके अंदर एकता नहीं हो सकती। तो ये जो चीजें हैं, जब जहां पर एकता नहीं है वहीं पर समस्या है, जहां पर एकता है वहां समस्या नहीं है। वहां तो 1,000 आदमी भी इकट्ठे बैठ सकते हैं, और जहां एकता नहीं है वहां एक भी इंसान नहीं बैठ सकता। जैसे शूद्रों का हाल देख लो, जिनको ST SC वो ओबीसी बोलते हैं, ST ST, उनके अंदर देख लो ज्यादातर हीन भावना भरी पड़ी है। उनको कोई अगर वो अपने मुंह से बोलते हैं तुम चाहे अब हम चमार हैं, जैसे मतलब बहुत सब डेंजर चमार बोलते हैं, अगर कोई उनको दूसरा बोले कि ओ चमार तुम इधर को आ, तब उनकी जान निकल जाती है, अपने आप को मानते हैं, और दूसरा बोलता है जब जान निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो हीन भावना है वो पड़ी है, उसको निकाल कर बाहर फेंकनी पड़ेगा। हीन भावना सिर्फ बिल्कुल सिर्फ एक ही निकाल सकता है, सच और ईमानदारी। सच ईमानदारी ही घमंड को खत्म कर सकती है, सच और जी ईमानदारी इंसान को जागरूक कर सकती है, सच ईमानदारी इंसान को आगे बढ़ा सकती है, और सच और ईमानदारी इंसान के अंदर सुस्ती दूर कर सकती है। याद रखिए इस बात को, सुस्ती जो है ना इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो मैं ना कहना चाहता हूँ, अगर ओबीसी जागना चाहते हैं तो आज ही अपने दिमाग से सच्चाई, ईमानदारी को अपनाएं, और झूठ, फरेब, छल कपट, दोगलापन, इसको बाहर निकाल कर फेंकें, अगर कामयाब होना चाहते हैं जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ सर जी। और जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा, ना ही सिस्टम चेंज होगा, ना ही बातें चेंज होगी। सबसे पहले हमको ही जागना पड़ेगा, तभी सब चीजें होंगी। जागना जी कैसे सर, कैसे जागेंगे? सर दिमाग से जागना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई सिस्टम दिमाग से जागना किसे कहते हैं? जी। तो जैसे सर जी ने बोला है कि तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी है। देखो सवाल के जवाब होने वो जरूरी, सवाल जवाब तब तक नहीं हुआ तब तक दिमाग कामयाब नहीं करेगा। जहां पर सवाल है वहीं 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 विकास है। जहां सवाल नहीं है वहां जी खत्म है, वो कुछ नहीं भी है, कुछ भी नहीं है। और ये जो ब्राह्मण लोग जी देखे होंगे आप लोगों ने, जान को जब सवाल करते हैं इनकी जान निकल जाती है। तो जी जी जो ब्राह्मण जो लोग हैं भारत में, वो सबसे बड़े अधर्मी हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने पहले भी बोला कई बार, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर उनकी उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर अगर विचार चर्चा कर सकते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि माँ का दूध पिया। इतनी बड़ी चेतावनी दे देते हैं हम लोगों को, फिर भी नहीं आते। बता
फिर हम ये भी बोल देते हैं साथ में कि हमारा हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तब भी आ जाए, फिर भी नहीं आता कोई। अब बता, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान है, इनकी वजह से भारत पूरा गुलाम है। और खास करके मैं महिलाओं को कहना चाहता हूँ, जो भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाओं की वजह से पूरा भारत आज गुलाम है। भारत की महिलाएं आंख बंद करके धर्म को मानती हैं, आंख बंद करके पाखंडवाद पर भरोसा रखती हैं, और आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करती हैं। तो ये जो आंखें बंद करके किसी चीज को मान लेना, दिमाग की आंखें बंद पड़ी है। तो मैं मुझे लगता नहीं है किसी भारत की महिला की दिमाग की आंखें खुली है आज तक, लगता नहीं है। अगर खुली होती तो गौतम बुद्ध के जैसे चमक जाती, सूर्य के जैसे चमक जाती, अगर किसी की जी दिमाग की आंखें खुली जी होती। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, दिमाग की आंखें खोले तभी प्रकाश होगा। इस सूर्य का प्रकाश नहीं, ये तो एक आम प्रकाश है, उससे कई हजार गुना ज्यादा प्रकाश होगा। फिर जब उसका प्रकाश होता है फिर खुद चमक जाता है। जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने सर जी। तो तो समाप्त हम करते हैं। लोग जी तो थोड़ा अंधविश्वास से दूर रहकर थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली चीजें जाने समझे, और जी जी, जी प्रैक्टिकल सही है सर जी। तो जब इंसान जो है ना, बाकी अपने अपने अपनी बोली बात पर यकीन करने लग जाए और उसको निभाने लग जाए तो प्रैक्टिकल में आदमी सीख जाता है। वो सारे जी भारत में देखा होगा आपने कि ओबीसी के जो लोग हैं ये अपने आप को आस्तिक समझते हैं, और आस्तिक भी, और बहुत सारे आजकल नास्तिक बने फिरते हैं। जो कभी आंखें बंद करके आस्तिक बने हुए थे, वो आंखें बंद करके आज नास्तिक बन गए हैं, आंखें बंद अभी हैं। तो पहले ब्राह्मणों का कहना मानते थे, अब वो वैज्ञानिकों का कहना मानते हैं। अपना दिमाग कब इस्तेमाल करेंगे? अपना दिमाग जी इस्तेमाल करें तो वास्तविकता में जाए, वास्तविकता मतलब करना, तो खोजी बने ना कि किसी ऊपर विश्वास रखे ऐसे। जी 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 सर, तो उसके लिए हमको खुद ही अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा ना, मतलब अंधविश्वास में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जियो और सोचो समझो। जी सर जी अब समाप्त कर दो उसको। थैंक यू।